ओके जी, कल हमने बात ख़त्म की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे हमारी बात चल रही है आईएस 16 में, जो हम जब स्टैंडर्ड में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने कहा जनाब कितने मेथड हैं, नहीं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दो मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है वो मैंने आपको नाम नहीं बताया, ठीक। द सेकंड वन इज नोन एज रीवैल्यूएशन मॉडल, वो भी हम शुरू करेंगे कॉस्ट मॉडल के बाद। कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल। सो अंडर द कॉस्ट मॉडल हमने कहा जनाब कि हम एसेट को मेजर करेंगे एट द बैलेंस शीट डेट, यानी कि जिस दिन हम एसओएफपी बना रहे हैं उस दिन हम एसेट को मेजर करेंगे किस वैल्यू पे, उसको हमने कहा हम मेजर करेंगे कैरिंग वैल्यू पे, एंड द कैरिंग वैल्यू या इसको हम क्या कहते हैं मशहूर ज़माना नेट बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू इट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो उसको अभी हम यहाँ पे आज नहीं लिखते क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अलहदा से है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। आई 16 में ये क्या है जी, कैरिंग वैल्यू माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या की जनाब हमने, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, जी सर बताएं, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया जी, तो ये क्या होती है जी डेप्रिसिएबल अमाउंट, नहीं नहीं सिर्फ डेप्रिसिएबल अमाउंट किसके बराबर है, तो हमने कहा जी डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है इट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहा जनाब इट इज अ वैल्यू विच मैनेजमेंट एस्टिमेट, जो मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है दैट दे विल रिकवर फ्रॉम द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बाय सेलिंग इट, मतलब एज अ स्क्रैप आप उसको बेच के जो वैल्यू रिकवर कर लेंगे उसको हम क्या कह रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, इसका मतलब है कि हमने कल छोटी सी एग्जांपल हम कर रहे थे, हमने कहा कि अगर आप एक एसेट 2 लाख रुपए का ख़रीदते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसेट की बारे में आपके पास पास्ट डाटा अवेलेबल है, आप पहले भी ऐसे एसेट यूज़ करते रहें, या आपका जिससे आपने बाय किया है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जब आप इसको यूज़ कर लेंगे पूरी तरह से तो फिर भी ये 15 से 20 हज़ार का बिक जाएगा। इसका मतलब है अगर आप 2 लाख रुपए एसेट में इन्वेस्ट करते हैं आज और 10 साल बाद आपको फिर भी उसमें से पैसे वापस मिल जाएंगे कोई 20 हज़ार रुपये, इसका मतलब है कि ओवर द 10 ईयर आप जो चीज़ कंज्यूम करेंगे उस एसेट के रेफरेंस से वो अमाउंट है 1,80,000 रुपये। इसको हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट, क्योंकि 2 लाख में से 20 हज़ार तो आप वैसे ही रिकवर कर लेंगे लेटर ऑन बाय सेलिंग इट। इसका मतलब है जो आप अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे इस 2 लाख रुपए में से बाय यूजिंग द एसेट वो है 1,80,000, और उसको हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। और उसी को एलोकेट करना एसेट की यूजफुल लाइफ पे, उसी को हम कहते हैं दैट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और हमने कहा जी इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है हमारे पास मेथड है नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक है जी हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हमने कहा जी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। देन वी हैव सम ऑफ डिजिट्स एंड देन वी हैव यूनिट मेथड या आउटपुट मेथड,
सो दे आर द फोर वेज जर्नली प्रैक्टिस में हम इनको फॉलो कर रहे हैं इन मेथड्स को. लेकिन स्टैंडर्ड हमें क्या गाइडलाइन देता है दैट एलोकेशन शुड बी सिस्टमैटिक. इट शुड बी सिस्टमैटिक. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी मेथड का नाम नहीं लेता, मेंशन बाय नेम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता. वो कहता है आप ये सिस्टमैटिक होनी चाहिए. अब सिस्टमैटिक, हमने कल बात की कि सिस्टमैटिक से मुराद क्या है, कि आप जो भी मेथड फॉलो करें इट शुड कंप्लाई विद द मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जिसको आपने फॉलो करना है. और मैचिंग कॉन्सेप्ट को हमने कहा जी डिफाइन करें, तो हमने कहा जी मैचिंग इज द कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव. तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड. अब आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें और हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपने एक एसेट बाय कर लिया, एक एसेट खरीदा और उसकी कॉस्ट है, कल क्या ली हुई थी हमने कॉस्ट 1 लाख, उसी को चला 1 लाख कॉस्ट है ठीक, और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स ठीक. और जनाब हमने इसको डेप्रिसिएट करना है स्ट्रेट लाइन पे. फॉर एग्जांपल इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 10,000. तो कल हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की अंडर द स्ट्रेट लाइन, तो हमने कहा जी 100,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 18,000. और हमने कहा जी डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करते हैं विद दिस फॉर्मूला है, ये बाय डिफॉल्ट पर एनम है, ये 12 मंथ की होती है. अगर आपने इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप मैथमेटिकली इसको 12 से डिवाइड करें, यू विल गेट पर मंथ. अब उस जितने माह की चाहिए उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको कम ज़्यादा करें. इसके बाद हमने कहा जी रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड. तो रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर जनरली एग्जाम में आपको रेट गिवन होगा ठीक, लेकिन अगर इंट्रो में अक्सर रेट कैलकुलेट करवा लेता है वो, लेकिन FR1 में इट्स वेरी रेयर, कभी भी नहीं हुआ ऐसे, वो रेट ऑलरेडी गिवन होता है ठीक. लेकिन अगर रेट गिवन ना हो आपको तो वी कैन कैलकुलेट द रेट. और रेट कैसे निकलना है, तो हमने कहा जी 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट पावर n, वेयर n इज द यूजफुल लाइफ. यहाँ से आपके पास आ जाएगा रेट. और अगर आप डेप्रिसिएशन निकालें तो हमने कहा जी अगर आप फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इट विल बी 100,000. कल हमने रेट निकाला तो हमारा रेट आया था 37%. सो 100,000 इंटू 37%, ये ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है. और ये 0.37 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे भी कैलकुलेट. सर इसमें टाइम है, सॉरी ये है हमारे पास रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट आपको पता है, एन इज द यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एसेट को यूज करेंगे, सो एन इज द यूजफुल लाइफ ठीक. तो आपके पास आ गया जनाब 37,000. और ईयर 2 में जब हम निकालेंगे तो हमने कहा जनाब इट शुड बी द नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर नेट बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इन 2.37. अब इधर भी जो डेप्रिसिएशन आएगी आपके पास वो बाय डिफॉल्ट 1 ईयर की. अगर आपने इसको कम ज्यादा करना है तो आप इसको उसी तरह से यूज कर सकते. Now coming to the sum of digits. तो sum of digits जो है, अगर आप sum of digits use करेंगे तो आपको n जो है, n means the useful life here, उसका sum लेना पड़ेगा. You have to take the sum of the digit जब हम कहेंगे. तो यहाँ पे digit जो है वो asset की useful life. तो वो क्या है जनाब, हमारी example में that is 5. तो 5 का अगर आप sum ले लें तो it is 5 plus. So it is 15. It's not factorial. Factorial means multiplication in descending order. So it's not factorial. It's 5 plus sum of the digit. So aap jo digit hai usse piche jitne bhi digit hai unko plus kar le to ye sum aa jayega. Isko calculate karne ke there is a formula n into n plus 1 divided by 2. So agar kahin figure zyada aa jaye 15 aa jaye for example to
15 जमा 14 जमा 13 इट्स अ लेंथी प्रोसेस यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग द फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो अगर आप 5 को यहाँ पे रख के देखें तो इट्स 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 सो यू विल गेट 15 ठीक हो गया जनाब तो 15 है 5 का सम ओके आपने लगाई है n इंटू n की फिर 6 ये ज़्यादा दोबारा एन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है जो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि एसेट की यूजफुल लाइफ इतनी फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में कितनी चल रही है 5 अगर आपको पेपर में सवाल आता है उसमें एसेट की यूजफुल लाइफ 10 है तो एन इज 10 तो 10 का सम अगर आप निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 110 डिवाइडेड बाई 2 तो 10 का सम आ जाएगा 55 सही हो गया जनाब अगर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालें पर ईयर तो इसका तरीका ये है कि आपके पास ये ईयर है अब आपने यहाँ पे फैक्टर बनाना ठीक फैक्टर जब आप बनाएंगे तो आपने इसको रिवर्स काउंटिंग शुरू करनी है पहले साल को डिजिट एलोकेट होगा 5, 4, 3, 2, 1 इट्स अ रिवर्स काउंट ठीक हो गया इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट 15 ठीक यानी कि 90,000 को 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो पर डिजिट एलोकेशन आ जाएगी डेप्रिसिएबल अमाउंट ठीक और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट अप्लाई टू द ईयर एंड दैट इज 5 तो पहले साल को 5 दूसरे साल को 4 तीसरे साल को 3 देन 2 देन 1 अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो डेप्रिसिएशन कितनी आती 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 दो लाख तो नहीं आ सकता ना 90,000 तो आप एलोकेट कर रहे हो 30,000 दैट इज अ 30,000 अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो अब देखें कितने का फर्क आया 6,000 का अब आप सिंपली आपको पता चल गया कि हर साल 6,000 का फर्क आएगा तो 24 में से 6 माइनस करें देन 6 अब आप इन सबको प्लस करेंगे इट इज नेचुरली 90,000 ठीक अब इस पे भी अगर आप देखें जो कैलकुलेशन आपने की है इसको पैटर्न को अगर आप एनालाइज करें तो ये मेथड जो है ये भी आपको अर्ली ईयर्स ऑफ द एसेट में ज़्यादा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देता है और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है डेप्रिसिएशन कम होती जाती है इसका मतलब है कि ये मेथडोलॉजी जो है या ये मेथड भी किसको फॉलो करता है आरबीएम को फॉलो करता ठीक इसका मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर हम किसको कंसिडर करते हैं आरबीएम को ठीक अगर आप गौर करें तो इसमें भी अगर आप देखें तो हर साल एक सेट अमाउंट के साथ वो कम होता जाता यानी कि 6,000 इस एग्जांपल में 6,000 है यानी कि जो आप कोई भी फिगर लेंगे जब उसको आप सम ऑफ डिजिट से अप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो वो पर ईयर पर डिजिट आ जाएगा इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टाइम में आगे जाते जाएंगे वो उस अमाउंट से कम होता जाएगा ठीक सो दैट इज द सम ऑफ डिजिट मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अब आगे आप आ जाएं जी आउटपुट मेथड यूनिट मेथड जी एलोकेशन करनी है ना आपने देखें अगर आप इसको देखें तो ये भी क्या है अब आप अगर चाहते हैं कि आप अर्ली ईयर्स को कम डेप्रिसिएशन एलोकेट करें तो आप स्ट्रेट काउंटर चलाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप चाह रहे हैं कि अर्ली ईयर्स को आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन एलोकेट करनी है तो आप रिवर्स चलाते हैं 5, 4, 3, 2, 1 ये तो आपकी प्रायोरिटी पे है ना आपकी एसेट की नेचर क्या है अगर आपको लग रहा है कि शुरू में कम डेप्रिसिएट होता है लेटर ईयर्स में ज़्यादा होता है तो इसको रिवर्स काउंटर चलाते हैं 1, 2, 3, 4 कर दें एप्लीकेबल ठीक हो गया ना अगर आप लग रहा है कि जनाब अर्ली ईयर्स में ज़्यादा है तो फिर आप
रिवर्स काउंट में है 5, 4, 3, 2। तो ये आपकी जजमेंट होगी वहाँ पे बैठे कि आप डेप्रिसिएशन को एलोकेट कैसे करना चाह रहे हैं, इस एसेट की नेचर क्या है। ईयरली ईयर्स में कम डेप्रिसिएट होता है और लेटर ईयर्स में ज़्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5, 4, 3, 2, 1 की बजाय 1, 2, 3, 4, 5 कर देंगे, सही हो गया। लेकिन जनरली हम ये समझते हैं जो पैटर्न है, जो नेचर है एसेट्स का, वो यही है कि वो अर्ली ईयर्स में कम होते हैं और लेटर ईयर्स में, और अर्ली ईयर्स में ज़्यादा और लेटर ईयर्स में कम। आउटपुट मेथड या यूनिट मेथड, अब इसमें जनाब आप देखें, अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो आपने एसेट खरीदा जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है और वो 5 साल चला गया, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी जाए कि इन 5 सालों में ये जो यूनिट प्रोड्यूस करेगा वो है जनाब कितने, कर लें जनाब 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 सालों में ये टोटल यूनिट प्रोड्यूस करेगा, पहले साल ये यूनिट प्रोड्यूस करेगा जनाब कोई 20,000 द यूनिट प्रोड्यूस्ड पर, ये डाटा आ गया आपके पास, 20,000 यूनिट पहले साल प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये सेकंड ईयर में करेगा जनाब कोई 25,000, फिर ये जाएगा 30,000 पे, देन 15,000, देन 10,000। सो दीज आर द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ओवर इट्स लाइफ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनर कहेगा जनाब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है यूनिट मेथड, कि जब एक यूनिट बनता है तो एसेट कितना कंज्यूम हो जाता है। ठीक, अब आप इसको टोटल कर लें, कितने बन गए टोटल यूनिट्स, कहते 20 जमा 25 कितने हो गए, 45 जमा 30। जी टोटल ये यूनिट बनाएगा 1,00,000, 100,000 यूनिट्स बनाएगा ये ओवर द 5 ईयर्स। ठीक, अब मैं कहता हूँ जी कितनी डेप्रिसिएशन आएगी ईयर वन को, तो अब आपसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करेंगे जनाब, तो हम कहेंगे जनाब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू दैट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट 90,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एस्टिमेटेड, के पूरे 5 सालों में ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो कितने आ गए जनाब, तो हमने कहा जी वो आ गए 1,00,000। अब मैथमेटिक्स हमें ये बता रही है कि जब एक यूनिट बनता है तो 90 पैसे से एसेट कंज्यूम हो जाता, 0.9, ऐसे ही, तो 0.9 पर यूनिट आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें यूनिट प्रोड्यूस इन दैट ईयर 20,000, अब आपके पास आ जाएगी पहले साल की डेप्रिसिएशन 90,000, वही है डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई विद द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जनाब हमारे पास, 18,000 इज 18,000 पर ईयर। अब दूसरे साल की अगर आप कैलकुलेट करें तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000 इंटू 0.9 कितनी आ गई, 25,000 इंटू 0.9 22,500, तीसरे साल आ जाएगी 27,000, 0.9 × 3, 27,000, 15,000 का कितना आ गया जनाब, 13,500, 15,000 इंटू 0.9 13,500, और 10,000 इंटू 9,000, ठीक हो गया जी सर। तुम्हें कैसे लगा रेजिडुअल वैल्यू 90, ये 90,000 जो ये लिखा है मैंने, एग्जाम्पल क्या चल रही है हमारी, आपको पता है एग्जाम्पल क्या चल रही है, एसेट कितने का है, कॉस्ट कितनी है उसकी, रेजिडुअल वैल्यू कितनी, तो 90,000 क्या बना, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती, रेजिडुअल वैल्यू किसको कहते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक, कॉस्ट में से जब आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं
ये डेप्रिसिएबल अमाउंट है और इसी को हम एलोकेट कर रहे हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये 90,000 जो है ये डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब अगर आप इधर देखें, यहाँ पे अगर पैटर्न देखें डेप्रिसिएशन का, तो आपको मैचिंग और क्लियर नजर आएगी। अगर आप इसको पर ईयर डेप्रिसिएट करते 5 years पे, स्ट्रेट लाइन पे करते, तो डेप्रिसिएशन हर साल कांस्टेंट है 18,000। अजम्पशन या हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि एसेट हर साल एक जैसे चूंकि बेनिफिट देता है, तो उसका एक्सपेंस भी हर साल सेम हो। अब अगर आप यहाँ पे आए, तो ये मेथड हमें ये अजम्पशन पे बेस करता है कि अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि एसेट शुरू में ज़्यादा बेनिफिट दे रहा था, इसलिए उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा है, और जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है उसका एक्सपेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब है उसके बेनिफिट भी कम हो। ठीक, इधर आए तो ये भी उसी को फॉलो करता है, अर्ली ईयर्स में ज़्यादा है, लेटर ईयर्स में कम। लेकिन यहाँ पर देखें आप, पहले साल कम प्रोडक्शन, अब आपका लर्निंग कर्व है ना, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम एसेट को यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाती, आपको कोई इश्यूज आ रहे होते। अब आप देखें जैसे जैसे यूनिट्स ज़्यादा हुए डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा, इसका मतलब है जितने बेनिफिट ज़्यादा आ रहे हैं उतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, जैसे ही वो यूनिट कम होने शुरू हुए लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन भी कम। सो इट इज़ अ एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, समझ आ रही बात। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन डिफरेंट वेज, मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। और अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे तो ये सिर्फ चार नहीं होते, देयर माइट बी सम अदर्स। ठीक, वो आपको ये भी हो सकता है कि जब आपको कहे जनाब आवर्स मेथड यूज करो, ये भी हो सकता है, ओके जी हमने टाइम लॉग लगाया हुआ, जितने बजे सुबह मशीन चालू होती है वो टाइम आपको पता चल जाएगा, जब बंद होगी तब आपको पता चल जाएगा, तो हमने तो आवर्स मेथड बनाया, ये टोटल आवर्स इतने चलेगा हमारा एस्टिमेशन, और एक महीने में ये आप देख लें सॉफ्टवेयर में जाके कितने घंटे चलिए मशीन, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यू आर अप्लाइंग एन आवर्स मेथड, शिफ्ट मेथड चल रहा हो, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी थिंग, जो एग्जैक्ट किसको फॉलो कर रही होगी, मैचिंग को। मतलब आपने अपने आप को यहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना कि भाई ये चार ही हैं, ये चार वो हैं जो जनरली चल रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन इट कैन बी एनीथिंग, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसको फॉलो कर रहा होगा, बस आपके पास ये याद रहेगी बात। हाँ जी, मैं ना कहीं कितों आया हैं, यही पूछने लगे, चलो कमाल हो गया। ये जनाब कहाँ से आया डेप्रिसिएशन, ये 90,000 कहाँ से आया, ये अगर 1,00,000 में से 10,000 को माइनस करें तो 90,000 आ जाता है। अब सवाल ये है कि 1,00,000 क्या था टोटल कॉस्ट थी हमारी, और 10,000 क्या था, फिर दोनों का डिफरेंस क्या है, पता चला कहाँ से आया, ओके मिटा दें जनाब, नोट कर लिया आपने, ले जनाब अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और हम पढ़ते हैं हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डबल एंट्री क्या है, हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द जर्नल, और ये एंट्री कब होती है, इसकी टाइमिंग क्या है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जब डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि ये जिस डे बुक में रिकॉर्ड होती है, जिस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है, उसका नाम है जर्नल, इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको मैंने बताया था कि दे आर मल्टीपल डे बुक्स, सेल्स डे बुक है, कैश डे बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज डे बुक है, परचेज रिटर्न है, ठीक, पैटी कैश बुक है, एंड देन देर इज अ जर्नल। तो डेप्रिसिएशन किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है, वो है जर्नल, ठीक हो गया। और ये FR1 में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन चूंकि इंट्रो में ये नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है इसकी,
जर्नल में। और क्या डेट है इसकी रिकॉर्ड करने की, इट्स एन ईयर एंड, अकाउंटिंग ईयर का जो एंड है उस दिन ये रिकॉर्ड की जाती है, उस डेट के रेफरेंस। फॉर एग्जांपल आपका ईयर एंड है 30 जून 2019, ठीक, तो इसका मतलब आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है, तो हमने कहा जनाब जुलाई 18 से जून 19 तक, 12 मंथ। तो आप डेप्रिसिएशन इस साल के किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 30 जून ईयर एंड पे करेंगे, सही हो गया, याद रहे की बात। सो इसकी टाइमिंग क्या है रिकॉर्डिंग की, इट्स एन ईयर एंड, ठीक। तो जब आप एंट्री करेंगे इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू accumulated depreciation account. So that is the entry to record the depreciation in the books. Depreciation account debit to accumulated depreciation. ठीक हो गया जनाब। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को यहां से लें स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक, तो पहले साल जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इट्स ईयर एंड दिसंबर टू दिसंबर, तो हम कहते हैं जी पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर 2015, तो 31 दिसंबर 2015 को आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे आप अमाउंट लिख देंगे 18,000। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 18,000, अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 37,000, और अगर आप सम ऑफ डिजिट यूज़ कर रहे थे तो आप लिखेंगे जनाब 30,000, और अगर आप यूनिट मेथड यूज़ कर रहे थे तो जो आपके पास आई थी। इसका मतलब है अमाउंट डिपेंड करती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें। इन एनी केस एंट्री यही रहेगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आप क्या कर रहे हैं डेबिट, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम इसे कहते हैं कि ये एक्सपेंस, दिस इज अ एक्सपेंस, ठीक, एक्सपेंस है ये। और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये सिंपली एक वैल्यूएशन अकाउंट है, ओके, इसको हम कहते हैं कि वैल्यूएशन अकाउंट है। जैसे अगर आपने इंट्रो पढ़ी हो तो जैसे आपने पढ़ा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इट्स अ काउंटर एसेट अकाउंट, वो क्या करता है जनाब एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे लेके आता है। दिस इज अगेन द सेम मेथडोलॉजी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकाउंट हिसाब रखेगा कि किसी डेट पे एसेट कितना कंज्यूम हो चुका, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब आपने इसको यूज करना शुरू किया था और आज तक ये कितना कंज्यूम हो चुका। ये अकाउंट आपको बताएगा कि एसेट कितना पुराना है या कितना नया है। जैसे मैं अभी इसको अगर देखें जनाब 18,000 है, तो हमें पता है कि जनाब एसेट पर ईयर 18,000 है डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब है ये एसेट की उम्र 1 साल हो गई, इट्स 1 ईयर ओल्ड। अब अगर दूसरा साल की डेप्रिसिएशन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 36,000 पर चला जाएगा। तो 36,000 का मतलब है कि एसेट 2 साल पुराना हो, यानी कि अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे जितनी अमाउंट पड़ी होगी अगर उसको आप पर ईयर डेप्रिसिएशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास एसेट की एज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहें जी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे 70,000 पड़ा हुआ और पर ईयर डेप्रिसिएशन है 7,000, बताएं एसेट की एज क्या है, तो हम कहेंगे 10 साल का होगा, ये 10 साल पुराना हो गया। इसके मतलब बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है ये आपको बताएगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं उसकी बेस पर उन्होंने डिसीजंस करने हैं। ये उनको बता रहा है कि जिस कंपनी को तुम देख रहे हो, जहाँ तुम सोच रहे हो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, इसके पास जो एसेट्स हैं वो नए हैं या पुराने हैं। सो यू कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। कैसे कर सकते हैं हम, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखें कितना बैलेंस चल रहा है और देखें जी पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है इसकी, उसको आप डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, लाइफ ऑफ द एसेट, कितनी एज हो गई है उसको आज तक, ये नए हैं या पुराने हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन बड़ी क्रिटिकल होती है कि कैसी कंपनी जिसके एसेट पुराने हैं, उसका मतलब ये है कि इन अ वेरी नियर फ्यूचर दे हैव टू इन्वेस्ट अगेन इन द एसेट्स,
उनको फंड्स चाहिए, और पैसे चाहिए होंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? और एक ऐसी कंपनी जिसके एसेट्स नए हैं, उसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, सब कुछ बेहतर होगा, और नए एसेट की जरूरत अभी बड़ी देर आ गए, और पुराने एसेट्स मीन्स एफिशिएंसी भी कम है, ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे तो एसेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर आया प्रोडक्शन पे तो गिर जाएंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आप ले रहे होते हैं? बाय लुकिंग एट द एज ऑफ द एसेट, और एज ऑफ द एसेट आपको कौन बता रहा होता है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं सर इसका क्या फ़ायदा, ये क्यों हम कैरी करते हैं इस अकाउंट, ये कैरी इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग। ठीक हो गया जनाब। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, और दूसरी एंट्री जो होगी आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये कहाँ पर रिपोर्ट होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाएगा। तो दूसरी एंट्री जो इसके साथ होगी वो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो हम इनिशियल मेजरमेंट में कर रहे थे कि जो चीज़ एसेट में नहीं जाएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। याद है ना बात आपको? इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया? वी रिपोर्टेड इट एज ए एक्सपेंस फॉर द ईयर बाय रिपोर्टिंग इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और इसको हमने रिपोर्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये एंट्री क्या बन गई जनाब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। सही हो गया। अब यहाँ से हम एक शॉर्टकट निकालते हैं पेपर्स के लिए, वो ये है कि अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री ये करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कोई मसला तो नहीं है। तो हम कहते हैं ये जो एंट्री हम कर रहे हैं इन दोनों का नेट इफेक्ट यही बनता है। इन दो एंट्रीज को मिला के अगर आप देखें तो ये इक्वल टू दिस, ऐसे ही हम कहते हैं। कैसे? तो हम कहते हैं देखें, डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली एंट्री में डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ। इसका मतलब है ये जीरो हो गया, कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। तो आपके पास नेट इफेक्ट क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर हमें कहा जाए कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करें और सब कुछ करें तब तो हम ज़रूर करेंगे ये, लेकिन अगर हम सिंपली क्वेश्चन कर रहे हो कोई डिटेल लेंथी क्वेश्चन तो हमें ये दो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। वी कैन गो स्ट्रेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन? याद रहेगी बात ये, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कैसे हम चीज़ों को स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक, किस तरह हम चीज़ों को स्क्वीज करके नंबर भी हमारे पूरे आ जाए, वो भी सब कुछ ठीक चलता रहे और हमारी टाइम सेविंग भी चलती हो। ठीक, मतलब आपने एक सेट पैटर्न पे नहीं करना, ये ऐसे होगा फिर ये ऐसे होगा फिर ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं सोचना। आप चीज़ समझ ली हमने, हमें पता चल गया ये कैसे होगी, नाउ वी हैव टू थिंक हाउ टू स्क्वीज इट। क्योंकि हमारे पास, आपने ये याद रखना है कि जब आपने एग्जाम में बैठना है तो यू हैव टू हैंडल सो मैनी थिंग्स, और टाइम वहाँ पर बड़ी की होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम पूछते हैं जो क्या आप बनाओ, कहते सर पेपर मुझे सारा ही आता था, मुझसे मैनेज नहीं हुआ, मुझसे पूरा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ पूरा? सर लेंथी पड़ा था। पेपर नहीं लेंथी था, आपकी अप्रोच बड़ी लेंथी थी। आप क्वेश्चन को जब हैंडल कर रहे थे तो आपने ऐसे फैलाया हुआ था उसको जैसे यहीं पर रहना सारी जिंदगी। तो वो ही बता रहा हूँ बेटा, उसी को तो शुरू कर रहा हूँ आज मैं। कौन सी वाली एंट्री? देखें ये वाली एंट्री इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, इसको काउंटिंग में कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इन दोनों को मिलाएं अगर आप, तो आप मैथमेटिकली सोचो, अगर आप कहें जी ये दिस इज अ प्लस फिगर एंड दिस इज अ माइनस फिगर, अब आपको कोई इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास नेट क्या बचेगा? प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद टू थिंग्स, जिसमें एक चीज़
डेबिट है, एक चीज क्रेडिट, ये नहीं बचेगा। बचपन में मैथ नहीं किया हुआ आपने, उस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि जो ऑपोजिट चीजें होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऑपोजिट हो गया। अब एक अकाउंट डेप्रिसिएशन जो है वही अकाउंट एक दफा डेबिट हो रहा है एक एंट्री में, साथ ही इमीजिएट दूसरी एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है। तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या बना? तो हम कहेंगे 18,000 से डेबिट, 18,000 से क्रेडिट, तो बचा क्या? जीरो। अब देखिए, अगर आप यहाँ से आगे आ जाएं, तो यहाँ से आगे हमने कहाँ पे जाना है? हमने जाना है जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या होना है? वहां पे टी अकाउंट्स पड़े हैं हमारे पास। एक अकाउंट पड़ा है जो हमने एसेट खरीदा था, उसका अकाउंट पड़ा, एसेट अकाउंट, ठीक हो गया। क्या हुआ होगा, 1 जनवरी 2015 को हमने एक एसेट खरीदा और वो कितने का था? वो 1,00,000 रुपए का, दैट वाज 100,000। तो आपने एंट्री क्या की होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री आती है आपको, ठीक। इसका मतलब है यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब 100,000 कैश, ये 1 जनवरी 2015 की एंट्री। अब 31 दिसंबर 2015 आ गया, आपको रिकॉर्ड करना है क्या जी? डेप्रिसिएशन। आपने एंट्री क्या की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब लेजर में आपके पास दो अकाउंट है, एक आ गया अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने एंट्री क्या की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड। इसका मतलब है ये वाला अकाउंट जो है ये डेबिट है कितने से? 18,000, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये अकाउंट क्या है? ये क्रेडिट है 18,000, साथ में क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। अब ये एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब इसका मतलब ये अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? 18,000 से। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो P&L जो हम बना रहे होंगे उसमें हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा होगा कितने से? 18,000 से, सही हो गया। अब आप देखें इस अकाउंट का, अगर मैं आपसे कहूँ बैलेंस टेक्निक, पता ना बैलेंस की, अगर आप इस अकाउंट का बैलेंस निकालें तो क्या आएगा? इट्स अ जीरो। क्यों जीरो है? चूंकि ये आपस में कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब है डेबिट हुआ 18,000 से, फिर 18,000 से ही क्रेडिट हुआ, तो बाकी क्या बचा? इट्स अ जीरो, तो इट्स अ कैंसल्ड आउट, ठीक। अब इस पर क्या बैलेंस आ गया? तो हम कहते हैं इस पर बैलेंस आ गया 100,000, और इस पे कितना बैलेंस आ गया? 18,000, ठीक। अब हम जब जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला डॉक्यूमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर वन। पहला साल खत्म हुआ है एसेट का, यानी कि 2015 है, 31 दिसंबर 2015, ठीक। आपने एसेट को किस पे रिपोर्ट करना है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी है आपने। और हमने कहा जनाब हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और हम एसेट को रिपोर्ट करेंगे एट इट्स कैरिंग वैल्यू, विच इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस। तो कॉस्ट कितनी है इसकी? तो हमने कहा जी इसकी कॉस्ट है 1,00,000। इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? तो हमने कहा जी अभी तक 18,000। इसका मतलब है इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? तो हमें जनाब 82,000। ये कौन सा मॉडल मैंने फॉलो किया? IAS 16 का, इट्स अ कॉस्ट मॉडल, जिसके मुताबिक आप एसेट को रिपोर्ट करते हैं SFP में कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक। और ये हो गई SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हम इसको कहां पे शो कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट में। और अगर आप दूसरी साइड पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लें,
यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या रिपोर्ट करना है? एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो P&L में हम लिख रहे होंगे डेप्रिसिएशन, और कितनी लिख रहे होंगे? 18,000। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड की जुबान में डिस्क्लोयर। क्या कहते हैं इसको? ये बन गया एसेट का डिस्क्लोयर। डिस्क्लोयर मीन हाउ टू रिपोर्ट समथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेट। किसी भी चीज को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस की किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, इसको, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज डिस्क्लोयर। याद रहेगा, ये साथ साथ आपने टेक्निकल वर्ड जो है वो सीखते जाए। तो दिस इज डिस्क्लोयर। इसके अलावा भी है इसका डिस्क्लोयर, वो भी हम उस पर उसकी तरफ ही जा रहे हैं जो नोट्स टू दी अकाउंट में हो। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसी की तरफ जाना है कि नोट्स टू दी अकाउंट में कैसे हमने बताना, सही हो गया। अभी आपने दो डॉक्यूमेंट पे बात की है, एक SOFP और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और आपको याद होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने कहा जी कितनी तरह, क्या क्या होता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? और नोट्स टू द, पांच चीजें। तो अभी हमने इसको रिपोर्ट कितने डॉक्यूमेंट में किया है? दो में। अभी इसका कैश फ्लो में क्या होगा वो भी हमें पता चलेगा जब हम कैश फ्लो बनाना सीखेंगे। अभी ये नोट्स टू द अकाउंट में कैसे आएगी वो भी हम देख लेंगे। तो सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चलती जाएंगी, हाउ टू। और जब ये सारी चीज़ों को मिला के हम कहते हैं कि हाउ टू डिस्क्लोज PPE इन द फाइनेंशियल स्टेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है SOFP, प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नेचुरली ये नहीं आता, लेकिन देयर इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया जी ये एंट्री कैसे? इन दोनों का आप सादा सा ज़हन में रखें, ये बात हमने बड़ी ज़्यादा यूज करनी है आगे जाके। कॉन्सेप्ट है कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री, यानी कि एक से ज़्यादा एंट्रीज को आपस में सम अप कर देना। मैं तीन चार एंट्रीज करनी पड़नी थी हमें फॉर एग्जांपल, लेकिन हम ज़रा उसको और होलिस्टिकली सोचते हैं, ज़्यादा जनरलाइज करके सोचते हैं, देखते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रेसी राइटिंग, पर क्या होती है प्रेसी? तो हमें एक लंबा सा सफ़ा दिया जाता है, उसे कहते हैं आप इसको ज़रा शॉर्ट करके ले, कंडेंस कर दें, इसको शॉर्ट कर दें, बात मतलब भी ना बदले, मैसेज भी कन्वे हो जाए, और बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ जो है उसको ख़त्म कर दें। तो उसको क्या कहते हैं, उस स्किल को हम कहते हैं प्रेसी राइटिंग। सुना होगा आपने, है ना? उर्दू में हम कहते हैं खुलासा बताएं जी, ये पूरी स्टोरी पढ़ ली आपने, क्या खुलासा इसका, मरकजी ख्याल बताएं क्या है? तो एक दो लाइन में आप बता देते हैं जनाब ये स्टोरी ऐसे ही है। उसी कॉन्सेप्ट को जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आप देखें इन दो एंट्री का खुलासा क्या है, क्या खुलासा है कि एसेट कंज्यूम हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड इट शुड हैव बीन रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। यही खुलासा है ना इसका? ठीक, आप इन दोनों को मिलाएं तो हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड किया एज एन एक्सपेंस, और इसको P&L में जाना चाहिए। दो एंट्रीज में आपने ये काम किया, तो हम कहते हैं जनाब ये काम एक एंट्री में भी हो सकता है, इस एक्सपेंस ने P&L में जाना है ना, तो P&L को करें डेबिट। ठीक, और इसका जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है जिसमें हमने ये रिकॉर्ड रखना है कि ये कितना पुराना हो गया, उसको कर दें क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। जैसे आपको हमने इनिशियल मेजरमेंट में हमने बात की जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसेट के लिए ज़रूरी थी, तो आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर की, आपने इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड की, इंस्टॉलेशन टू कैश। अब हमने कहा इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, तो आपने कहा एसेट डेबिट इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्रेडिट, ट्रांसफर कर दिया आपने। इसका मतलब अगर हम चाहते तो नेट एंट्री बच सकते थे, स्ट्रेट अवे एसेट को डेबिट कर दे, कैश को क्रेडिट कर दे विद द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या जरूरत थी दो एंट्रीज करने, समझ आ रही बात? जब आपने एक लिस्ट बनाई आपने कहा ये प्लस होगा ये नहीं होगा, तो जो चीज़ आप प्लस कर रहे थे बेसिकली आप उसको एसेट में क्या कर रहे थे, डेबिट करते जा रहे थे उसको, सही हो गया। तो वहां पे भी आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वो यही था, कंबाइन करते जा रहे थे उसको। जी सर, अकुमुलेटेड
डेप्रिसिएशन अकाउंट ये फिक्टिशियस अकाउंट होगा? फिक्टिशियस का मतलब क्या लेते हो तुम? मतलब क्या, मुझे उर्दू में बता दो। ख्याली? नहीं, ख्याली नहीं है, इट्स अ वेरी मच ओरिजिनल अकाउंट। इसको हम कहते हैं मेमोरेंडा अकाउंट, अगर आप इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे। इट्स अ मेमोरेंडा वैल्यूएशन अकाउंट। ये एसेट्स को वैल्यू करता है एट देयर रिकवरेबल वैल्यू, एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। सो इट्स वेरी ओरिजिनल जेन्युइन अकाउंट। ठीक जी सर। नहीं तो जब आप पेपर पे डिपेंड करता है ना, हमने पेपर में लेजर बनाना है या नहीं बनाना? नॉट नेसेसरी इन एवरी अकाउंट, डू यू थिंक सो? अगर हम फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कंपनी की, और हमें एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, हमें वो बता रहा है ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, तो क्या मतलब है मैं हर दफ़ा लेजर अकाउंट खोलूँगा? डू यू थिंक सो? हम नहीं ऐसे करेंगे। ऐसे किया तो हम तो एक ही सवाल करेंगे फिर पेपर, या दो कर लेंगे। ठीक है, ये देखें आप ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों डेबिट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पी एंड एल को डेबिट क्यों किया तुमने? क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज डेबिट। नहीं, आप पहले आपने कहा जी, हमने स्ट्रेट जो पढ़ा वो ये है कि पहली एंट्री ये है, दिस इज अ सिस्टमैटिक वे। पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग, ये तो होनी थी। दूसरी एंट्री होनी है कि उसको आपने रिपोर्ट कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिपोर्ट करना है, पी एंड एल डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये तो होगा, हो गया। प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा, रिकॉर्डिंग ऐसे ही होगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम में आपको वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, आपको कहते हैं यार डेप्रिसिएशन इस साल की इतनी है, अब आप क्या करोगे? आप पहले लेजर अकाउंट खोलोगे? आप डबल एंट्री करोगे? नहीं, जरूरत नहीं है ना। हम क्या कर रहे होंगे, हम पी एंड एल बना रहे हैं, हम पी एंड एल में लिखेंगे डेप्रिसिएशन, उधर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस कर देंगे उसको। एंट्री क्या हुई है? ये वाले। अब यहाँ पर इस वक्त क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब आने वाले वक्त में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं डेप्रिसिएशन जब क्वेश्चन के अंदर लिखूंगा कि यार ये इसको पी एंड एल में से इसको माइनस कर दो प्रॉफिट में से और अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर दो, अब जब मैं आपसे ये कहूँगा तो आपने ये मुझे नहीं कहना वो सर एक ही किया था, सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपने एंट्री नहीं की, तो मैं कहूँगा बेटा मैंने एंट्री कर दी है, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। समझ आ रही बात? आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको जैसा रहा टीचर की अपनी अपनी अप्रोच होती, मैंने आपको प्लस माइनस में ले जाना। ठीक, एंट्री जो आप कर रहे होंगे, जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ रहे होंगे तो डेबिट क्रेडिट आपके जेन में चल रहा होगा, लेकिन पेपर पे आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे प्लस माइनस में। एफ आर वन में यही होने वाला, ये सारा इंट्रो है ना, उसने आपसे लेजर थोड़ी बनवाने हैं। अब यहाँ पर यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इन एनी केस हर ट्रांजैक्शन को इस तरह देखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम कौन सा इवेंट पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है हाउ इट विल अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं, ये कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये ट्रांजैक्शन या इवेंट किस तरह हिट करेगा, ये कैसे हिट करेगा? इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट एंड इट विल रिड्यूस द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, पेपर में मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ जनाब SOFP में प्लांट आएगा PPE, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,00,000 - 18,000। पेपर में तो हमने ये कर देना, इसको और स्क्वीज कर दिया, ठीक। 1,00,000 क्या है कॉस्ट, 18,000 क्या है अकाउंट। अब मैं दूसरा साल इसमें लेके आता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मैं क्या कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मैं क्या कर रहा हूँ, 1,00,000 - 36,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000। अब ये 36,000 कैसे हो गया जी? तो मैं क्योंकि 18 साल के शुरू में थी, 18 इस साल हुई, टोटल बन गई 36। तो 1,00,000 - 36 इज द कैरिंग वैल्यू और नीचे आ गया 18,000। तो ये एबिलिटी आपने अपने अंदर ले करानी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, और फिर ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके जेहन में इरिटेशन नहीं आनी चाहिए कि सर ये सॉल्व इतनी तेज़ कैसे आप कर रहे हैं, उसके पीछे सारी ये अप्रोच होगी। समझ आ रही बात? तो इसलिए यहाँ पर ये मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है एट द एंड, जब हमने ये टॉपिक की एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने एग्ज़ाम प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने पेपर में सवाल करना, जिस अप्रोच से हमने पेपर में सवाल करना है बिल्कुल उसी तरह से आपने एग्जाम। और आपको ये बात याद रखनी है कि 20 नंबर के सवाल के लिए आपके पास मैक्सिमम 36 मिनट, दिस इज द बेंचमार्क। 20 मार्क्स क्वेश्चन 30 मिनट, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मतलब आपने ना सिर्फ आपको सीखना है, बल्कि आपको ये भी सीखना है कि किस तरह से चीज़ों को पेपर में रिपोर्ट करना, और टाइमली विद द टाइम। मतलब मुझे ये लगता है कि एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन तब होती थी जब मुझे अगला एक डेढ़ सवाल आता होता था और 3 घंटे ख़त्म हो गए होते थे। तो मैं सोचता था कि क्या वजह है, मतलब मुझे आता भी था और मैं नहीं डिलीवर कर पाया। तो उसका रिजल्ट यही निकलता था कि मेरी अप्रोच बड़ी कंजर्वेटिव है, मैं चीज़ों को इतना फैला देता हूँ बाद में वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही होती। अगर मेरी अप्रोच कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, चीज़ें भी पूरी हों, तो ये हो सकता, ये डूएबल। लेकिन वो हम खुद से, हमारी अप्रोच इतनी ज़्यादा वो ख़राब हो जाती है कि वो फिर टाइमली चीज़ें नहीं पूरी हो रही होती। तो इसको, इस चीज़ को भी लर्न करना बड़ी ज़रूरी बात होती कि आपने किस तरह से चीज़ को इस तरह प्रिसाइज करना है कि ये नहीं करना है कि चीज़ें स्किप करना शुरू कर दें, उसमें चीज़ें पूरी होनी चाहिए, लेकिन हाउ टू डू इट क्विकली, किस तरह से हम इस चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं, ये भी एक स्किल होती है और इसको लर्न करना बड़ा ज़रूरी होता है। जी सर। लेकिन आप के टाइम मैनेज इसी तरह कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम गलत, मतलब अपने माइंड में जल्दी कैलकुलेशन करके कुछ गलत कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। मैं माइंड में थोड़ी कह रहा हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं, मैंने तो नहीं कैलकुलेशन कहा है, मैंने माइंड में करनी, मैंने कहा कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री लेजर, डबल एंट्री, जैसे मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन, मुझे पता है इट इज द एंट्री डेप्रिसिएशन टू अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो आई नो दैट ड्यू टू दिस डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज, आई नो ड्यू टू दिस एक्सपेंस विल इंक्रीज, आई नो ड्यू टू दिस प्रॉफिट विल डिक्रीज। अब ये बातें तो आपके जेहन में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप FR1 के पेपर में सोचें कि आपको जाना ही नहीं चाहिए फिर। मतलब आपने पेपर तक अपने अंदर ये एबिलिटी प्रोड्यूस करनी है, पैदा करनी है, ये आपके अंदर है, ये डेवलप करनी है। यही होता है ना तैयारी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी ये तो नहीं होती कि आपने कितना अच्छा रट्टा लगा लिया हो, तैयारी ये होती है कि आपने अपना माइंडसेट कितना सब्जेक्ट के मुताबिक कर लिया, आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो कितनी डेवलप हुई है रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग। मतलब अगर आपको ये कहा जाए जनाब कि ये सवाल आ गया, अब आप ये सोच रहे हो यार ये सवाल वही वाला है जो उस अटेम्प्ट में आया था, वैसा ही है, आप कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन को वैल्यूएट नहीं करते, आप ये देखते हैं कि सवाल कितना सिमिलर है फलां अटेम्प्ट के साथ, इसमें ये एक चीज़ उससे मुख्तलिफ है, बाकी वैसा ही है, चल भी शुरू हो जाओ। इसका मतलब है कोई एनालिटिकल स्किल नहीं है, आप सिर्फ मेमोराइज करते हैं चीज़ों को और अपनी मेमोरी पर रिलाय कर रहे हैं। चल बेटा, इतना तजर्बा हो तो इसका मतलब होता है टाइम लग गया था। समझ आ रही बात?
ये जो टाइम लगता है ना, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? व्हाट इज एन एक्सपीरियंस? इसको कहते हैं एक्सपीरियंस इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन मिस्टेक्स. मिस्टेक्स ही एक्सपीरियंस होते हैं. और एक्सपीरियंस आदमी आपको बता सकता है कि इधर भी गलत है, इधर भी गलत है. ए है रास्ता भाई जान, एम मैं सारे ट्राई कर ले इन्हें, ठीक है ना. इधर उधर ये जो तुम लोग सोच रहे हो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रास्ता है, इस पे चलना है. मैं चल के देखा हुआ. यही होता ना तजर्बाकार आदमी. जब आप कहते हैं आप एक एक्सपीरियंस आदमी से मशवरा कर लें, क्या मशवरा करने जा रहे होते हैं आप? उस वो आपको क्या बताता है? आप उसे कहते हैं सर मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ, वो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं ठीक. अब वो कैसे कह देता है ये नहीं ठीक? क्योंकि उसने वो कर लिया होता पहले. वो कमाल ही हो गए. मतलब आप ये देखें, यही मसला है. एक चीज होती जब आप कहते हैं सर आप, मैं कहा जी हाँ जी, जिसका एक्सपीरियंस हो वही आपको बता सकता है. अब इसकी तशरीह आपको खुद करनी चाहिए ना. इसकी तशरीह क्या बनती है? अब इसका नहीं फॉलो करना है. देखिए अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो फिर उसको इस तरह फॉलो करना चाहिए दैट यू शुड लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. अ गुड टीचर, जब आप कहते हैं एक अच्छा उस्ताद जो होता है वो ये कहता है, वो ये होता है जो अपने स्टूडेंट को पकड़ के अपने सूप पर कर देता है. वो ऐसे नहीं करता कि वो अपने स्टूडेंट को नीचे ही रखता है, ऐसे नहीं है. वो तो उस्ताद थोड़ी होता. वो अपने स्टूडेंट को पकड़ते उसे कहते हैं यार इतना तो मैंने कर लिया हुआ है तो ये तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा. अब इससे ऊपर जो चीज़ें वो तो मैंने भी नहीं देखी. तो जिस लेवल पे मैं हूँ तुम उस लेवल पे, तो मैं तुम्हें ले आऊँ तो वो कैसे मैं आपको जल्दी ला सकता हूँ? जब आप मेरे एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे. आप एक बुक पढ़ते हैं किसी राइटर की, उन्हें बुक में बड़ा नॉलेज होता है, बड़ा इल्म होता है. तो वो बुक क्या करती है? वो बुक उसके कई सालों की मेहनत होती है, उसने इकट्ठी की होती. आप जनाब महीने में वो किताब पढ़ के उसकी ज़िंदगी का सारा निचोड़ जो है वो आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले. और आप कई राइटर्स को पढ़ते हैं, कई लोगों को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आपका इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो इम्प्रूव करता है. आपके पास डाटा आता है. अगर आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहे और आप उसको अपनी कॉमन सेंस को जो है वो आप उससे इम्प्रूव नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं. देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट. इसलिए कोशिश किया करें कि चीज़ों को आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखें या कोई नई बात सीखें उसको रिलेट करते हैं चीज़ों के साथ. जब आप चीज़ों को रिलेट करते हैं तो फिर वो समझ आना शुरू होता. जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंस है, अकाउंटिंग में हम रिलेट कैसे करते हैं? कहते एक्सपेंस हमने करना क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर? तो हमने कह रहे हैं जी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सीखना है कि एक बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमने बनानी सीखनी. इसका मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेट. इस पूरे पेपर का ऑब्जेक्टिव ये. इससे अगला पेपर जो पढ़ेंगे आप एफर टू, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव. लेकिन नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो इसमें अभी हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे वो आगे आ जाएंगी. फिर आप सी फैब में जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट पेपर, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव यही. लेकिन फ़र्क यह है कि वो चीज़ें जो आपने एफर वन और टू में नहीं पढ़ी वो आप सी फैब में पढ़ रहे होंगे. इसका मतलब है कि जब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हर एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमने इस तरह रिलेट करना है कि हाउ इट विल हिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है? तो अगर हम एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपेंस हमेशा क्या कैसे हिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? तो हमने कहा इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट. अब कैसे हिट करेगा? तो हम कहते हैं एक ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा. बैलेंस शीट में एसओएफबी में ये एसेट्स को कम कर देंगे. ठीक, फिर हम कहते हैं और भी कोई तरीका होता है? कहते हैं हाँ एक और भी तरीका है. एक्सपेंस प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा. अगर वो एसेट को रिड्यूस नहीं करेगा तो लायबिलिटी बढ़ा देगा. ये अल्टीमेट इफेक्ट है ट्रांजैक्शंस का. अगर हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, हम उसको रिलेट कर पाते हैं, इसका मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हम जब भी कोई नया स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें कोई भी चीज़ जो डिस्कस होने वाली है वो या एसेट है या वो इनकम है या वो एक्सपेंस है या वो लायबिलिटी है या वो कोई इक्विटी का एलिमेंट. इन पांचों की फैमिलीज के फर्दर मेंबर्स आपने डिस्कस करना.
अब यहाँ पे आप क्या, इस एंट्री में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? इट्स एन इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इट्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. नेट बुक वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, जैसे जैसे एक्सपेंस होता जाएगा एसेट कम होता जाएगा. दैट इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. क्या आपने जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है उसने क्या करना है, उसने एक्सपेंस को इंक्रीज करना है या प्रॉफिट को डिक्रीज करना है, और दूसरी तरफ उसने एसेट्स की वैल्यू को कम करना. ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट ये एंट्री होगी जना हमारे पास, डेप्रिसिएशन टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस टू. और हमने कहा जी इन दोनों को मिला लें तो ये एंट्री. अब आपको समझ आ रही है बात? एवरीवन इज ओके विद दिस? कंपाउंड एंट्रीज को हम कहते हैं. ठीक हो गया. अब ये आ गया हमारे पास लेजर, और हमने कहा जी लेजर का बैलेंस, बैलेंस शीट में इसका कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 1,00,000, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 18,000. तो नेट बुक वैल्यू कितनी बन गई? 1,00,000 माइनस 18,000. इसका मतलब है नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है कि हर ईयर एंड पे जो कॉस्ट अकाउंट का, एसेट के कॉस्ट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट बुक वैल्यू. Get a net book value of the asset. और depreciation account हर साल nil balance show कर, it's always shows the nil balance. चूंकि ये हर साल किसके साथ close होने वाला है? Profit and loss के साथ. इसका मतलब है इस account पे कोई balance नहीं होगा. और आपने यहां से एक और बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि जनाब जितने भी nominal accounts होते हैं, all the nominal accounts, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस फैमिली एंड इनकम फैमिली. इनकम और एक्सपेंस फैमिली के अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स. दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स एंड ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड विद द प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक, इसका मतलब है कि जो अकाउंट्स साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्लोज हो जाएंगे उन पर कभी भी क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं मिलेगा. सो ऐसे अकाउंट्स जिनमें हर अकाउंटिंग ईयर पे जिनका बैलेंस जीरो हो जाता है बाय क्लोजिंग इट विद द प्रॉफिट एंड लॉस, उनको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट. दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जनाब परचेज अकाउंट है जी, अब परचेज अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है या रेंट अकाउंट है या एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, वट एवर, ये यहाँ इनकम के हैं या ये एक्सपेंस के. ठीक, अब अगर आप यहाँ पे हम कहें जी रेंट अकाउंट है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये रेंट अकाउंट जो है जब भी बिजनेस रेंट पे करता होगा तो एंट्री क्या होती होगी? तो हम कहें जब भी रेंट पे करता होगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री होती हो. तो सारा साल यही एंट्रीज हो रही हैं रेंट टू कैश, हर महीने जब वो रेंट दे. जब अकाउंटिंग ईयर रेंट होगा तो ये अकाउंट किसके साथ क्लोज हो जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ. इसका मतलब हम एंट्री क्या कर रहे होंगे? जो ये एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम जनाब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. अब हम क्या कर रहे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट. इसका मतलब है जब भी एक्सपेंस क्लोज होगा पी एंड एल के साथ तो एंट्री क्या हो रही होगी? पी एंड एल डेबिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट. इसलिए हम ये कहते हैं कि वेन एवर देर इज एन एक्सपेंस प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, प्रॉफिट कम हो जाए क्योंकि उसने आखिर पे जाके क्लोज किसके साथ होना है? पी एंड एल के साथ. और जब वो पी एंड एल के साथ क्लोज होगा तो वो प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम कर देगा. और वट एवर देर इज ए इनकम, जब आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आप एंट्री क्या कर रहे होते हैं? कैश या रिसीवेबल डेबिट इनकम अकाउंट क्रेडिट. इनकम अकाउंट में सेल्स आ सकता है, रेंटल इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ सकता है, वट एवर द इनकम वो क्रेडिट हो रही है. और उसके अगेंस्ट जो एसेट में इंक्रीज आ रहा है कैश या रिसीवेबल की सूरत में उसको आप डेबिट कर रहे होते हैं. अब साल के एंड पे जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तो आप इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या कर रहे होंगे? इनकम अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. इसका मतलब है इनकम हमेशा प्रॉफिट को इंक्रीज कर देती है, उसकी क्लोजिंग एंट्री. अब नॉमिनल अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस के हैं इन पर ईयर एंड पे फिर क्या होगा? बैलेंस हमेशा
जीरो होगा, चूंकि ये हर साल के एंड पे किसके साथ क्लोज हो जाते हैं, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक। इसका मतलब है ये दो अकाउंट जो है ये कौन से अकाउंट है फिर जिन पे बैलेंस आता है, इनको हम कहते हैं क्या कह रहा है, नींद आ गई कौन कौन साहब सर क्या हुआ, सो देयर इज अ रियल अकाउंट्स, इनको हम कहते हैं ये रियल अकाउंट्स। सो रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट जिन पर ईयर एंड के ईयर एंड पे क्या आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। हर वो अकाउंट जिस पर ईयर एंड पे बैलेंस आएगा वो SOFP में रिपोर्ट होगा। सिर्फ तीन अकाउंट्स फैमिलीज के अकाउंट्स हैं जिन पे बैलेंस आ रहा है, एक है एसेट, एक है लाइबिलिटीज और एक है इक्विटी अकाउंट्स, और वो तीनों अकाउंट्स किस डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट होते हैं, SOFP। दो फैमिलीज हैं इनकम एंड एक्सपेंस जिन पे बैलेंस नहीं होते, वो कहाँ पर रिपोर्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये पांच ही हैं टोटल और इनके अंदर इनके मेंबर्स आप जितने मर्जी बना लें, लेकिन ये एक ही पैटर्न पे चलते, सारे चलते एक ही पैटर्न पे, ठीक। चाहे आप एक्सपेंस का कोई भी नाम रख लें, उसने चलना उसी पैटर्न पे है जिस पे कोई एक एक्सपेंस चल रहा है। इनकम है उसका कोई इंडिविजुअल मेंबर है, सेल्स है या रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट है, उसका पैटर्न वही रहेगा जो सेल का, ठीक। जैसे हम कहते हैं व्हेनेवर देयर इज एन इनकम इट मींस देयर इज एन ऑपोजिट इफेक्ट, क्या होता है इसका, तो हम कहते हैं जब इनकम होगी तो हमेशा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसके ऑपोजिट क्या हो रहा होगा, तो हम कहते हैं या एसेट बढ़ रहा होगा या लाइबिलिटी कम हो रही होगी, ऐसे ही होगा ना। एसेट बढ़ेगा तो बैलेंस शीट में डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ रही होगी तो क्रेडिट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं जी एक्सपेंस, तो वो इसके ऑपोजिट बिहेव करता है, व्हेन एवर देयर इज एन एक्सपेंस देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, समझ आ रही बात, ठीक। तो ये आ गया जनाब हमारे पास हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक। इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर अपने पास आप और लिख लें और सॉल्व करें जनाब क्या आंसर आप। सॉरी हाँ जी, वैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम कहते हैं, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो जब हम कहते हैं ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट ओनर, तो कॉन्ट्रा एसेट, अब एसेट होते हैं डेबिट, तो जब हम इसे कहते हैं ये कॉन्ट्रा एसेट है तो इट शुड बी क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट है। हाँ जी, ड्राइंग्स को क्या हुआ, ऑपोजिट अफेक्ट, ऑपोजिट ट्रांजेक्शन है ना, तो वो उसका ऑपोजिट है कैपिटल का, वो डेबिट होता है, इसी को चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं, बिल्कुल ऐसे। ले जा छोटी सी एग्जांपल लिख लें, मिस्टर आसिफ एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1st March 2011। On 1st March 2011, its total capacity is to produce 50 units over 4 years. Its total capacity is to produce 50 units over 4 years. Year end is 31st December. Year end is 31st December. Expected units to produce 2011 12 units, 2012 24 units, 2013 4 units, 2014 10 units. Mr. Asif has acquired a machine on 1st March 2011. Yakam March 2011 ko machine khareedi gayi. Total capacity uski hai to produce 50 units over the 4 years. Year end is December, 31 December. Theek? Ab pehla year end kab hoga? 2011.
फिर होगा 2012, फिर होगा 2000, ऐसे ही होगा ना। 31 दिसंबर 11 पहला ईयर एंड होगा, 31 दिसंबर 2012 दूसरा ईयर एंड होगा, देन थर्ड। 2011 में इसने यूनिट प्रोड्यूस किए 12, 24, 4, 10। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹70,000, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹70,000, 70000। रेजिडुअल वैल्यू इज 5000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹70,000, 5000, रेजिडुअल वैल्यू 5000, कॉस्ट ऑफ द मशीन 70,000, रेजिडुअल वैल्यू 5000। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर, रेजिडुअल वैल्यू 5000। लिख लिया जी? अब आप रिक्वायरमेंट लिख लो। नो द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। करना क्या आपने इस पूरे डाटा में से, आपने सॉल्व क्या कर? रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड यूनिट्स मेथड। और चौथा कौन सा था? SLM, सम ऑफ द डिजिट मेथड। चारों मेथड से आपने बताना है कि डेप्रिसिएशन क्या आती है 31 दिसंबर 2013 के, 31 दिसंबर 2013। सत्तर हजार।
ये क्या स्ट्रेट लाइन? अच्छा यस सर। ये क्या क्या सर? ये टेंप मार्क ना मार्च से शुरू हो रहा है। मार्च को खरीदा हमने। पहला अकाउंटिंग ईयर तो मैंने पूछा, मैंने कौन सा साल पूछा? 31 दिसंबर 2013। ये नहीं पूछा मैंने। यस सर, 3 साल के लिए पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ एक साल का पूछा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। सिर्फ एक साल का पूछा, 3 सालों का तो नहीं पूछा। जस्ट 1 ईयर। ठीक है ठीक। ये क्या किया? किस साल की निकाल रहे? 2013 में तो 4 यूनिट्स नहीं बस। पहले साल का होगा ना, 31 दिसंबर 2011 में जब आपने कहा। हाँ, उसमें इफेक्ट आएगा अगले साल में। हाँ, 12 मार्क की निकलेगी। रेट निकाल लिया आप लोगों? कितना आया रेट? 48.3। यानी कि 48% कर लें अगर हम ऐसे ही है, राउंड ऑफ करके इसको 48% कर लें, ठीक हो गया। अब जब आप जो क्वेश्चन है वो है जनाब, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013, किसी एक साल, मतलब आपको मैंने इस अकाउंटिंग ईयर की कहा है ना, 31 दिसंबर 2013 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर। सही हो गया? तो आप स्ट्रेट अवे उसी साल की कैलकुलेट करें ना बस। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में हैं तो हमें पता है जनाब, इट इज 70,000 - 5,000 / 4। कितना आ जाता जनाब? हाँ, 16,250 इज पर ईयर। अब आपके जहन में आ रहा होगा, यार ये 1 मार्च 2011 को खरीदी गई, 1 मार्च 2011 को अगर खरीदी गई है तो जब मैं इस अकाउंटिंग ईयर की डेप्रिसिएशन लूंगा पहले साल की, तो इसमें मुझे 10/12 चाहिए। लेकिन इसमें तो पूरे 12 माह, इसमें भी पूरे 12 माह, तो इन दोनों में तो मुझे पूरे 12 माह का चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए आपको 2013 में इसको मंथ पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। 2011 में जरूर थी लेकिन 2013 में नहीं। ठीक हो गया? यस, इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले साल आपने 10 माह की डेप्रिसिएशन ली, फिर उसके बाद पूरे 12 माह चलेंगे। इसका मतलब है 2013 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग में आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, आपको पहले अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 10 माह की डेप्रिसिएशन लेनी, फिर अगले सालों में 12 माह। क्योंकि अगर आप उसको फर्स्ट ईयर को मंथ पोर्शन नहीं करेंगे तो उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो ख़राब हो जाएगी और आपकी डेप्रिसिएशन ठीक नहीं आएगी। मेरे ख्याल में बाहर बच्चे आ गए, तो आप होमवर्क इसको घर पर कीजिएगा कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू जनाब।